खुशकोष, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने किया मतदान। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वोट डाला। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। तेलंगाना के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। पीएम ने तेलंगाना के मडिगा समुदाय को आरक्षण के लिए कैबिनेट सचिव समेत आला अफसरों से की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने आरक्षण प्रक्रिया के लिए कमेटी बनाने के दिए निर्देश। 11 नवंबर को तेलंगाना की रैली में भावुक मडिगा नेता से मिले थे पीएम। दिल्ली के पास नोएडा में दर्दनाक घटना। कार में आग लगने से 2 लोगों की मौत। फोरेंसिक टीम ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चौपर से हमला। मामले में मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। उत्तरकाशी में अब सिलक्यारा टनल से मलबा हटाने में मशीन का इस्तेमाल ना करने पर विचार। एनडीआरएफ के जवानों ने पाइप में जाकर किया जायजा। प्लान बी के तौर पर पहुंची वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एचएएल का करेंगे दौरा। एचएएल में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का लेंगे जायजा। तेजस फाइटर जेट के निर्माण की करेंगे समीक्षा। हमास ने 24 बंधकों को किया रिहा। इजराइल के 13, थाईलैंड के 11 और फिलीपींस के 1 नागरिक को रेड क्रॉस को सौंपा। इजराइल ने भी जेल में बंद फिलिस्तीन के 39 लोगों को रिहा किया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।